आज रात नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी, आज रात प्रधानमंत्री सोएंगे नहीं, आज की रात मोदी के लिए बहुत भारी है, आज की रात फैसले की रात है। जी हाँ, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है नतीजों की। नतीजों ने सारे राजनेताओं की नींद छीन ली है, नींद उनकी पलकों से दूर है। लगातार जो चुनाव प्रचार किया, अब उसमें नतीजों की बारी है। इन्हीं नतीजों ने प्रधानमंत्री की नींद उड़ा दी है। मोदी आज की रात नहीं सोएंगे। यूपी समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को एक तरीके से मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इस टेस्ट में मोदी पास हुए, यानी उनके फैसले पास हुए। इस टेस्ट में मोदी विजयी हुए, इसका मतलब नोटबंदी पर उनका फैसला विजयी हुआ। जाहिर सी बात है, इन 5 राज्यों के नतीजे मोदी सरकार के लिए किसी मिनी जनादेश से कम नहीं। इसलिए आज की रात मोदी सरकार को नींद नहीं आएगी, आज की रात प्रधानमंत्री नहीं सोएंगे। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने काफी हद तक प्रधानमंत्री को ढाढ़स बंधाया है। एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहां की सियासत देश की राजनीति की दिशा तय करती है, वहां भी बीजेपी को बहुमत दिखा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी आज की रात निश्चिंतता से सो पाएं। आज की रात मोदी के लिए बहुत भारी है। आज की रात केजरीवाल भी नहीं सोएंगे। आज की रात आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में दांव खेला है, उसकी परख की आखिरी रात है, क्योंकि नतीजे शनिवार को आ जाएंगे। नतीजे आएंगे तो ये बता देंगे कि आम आदमी पार्टी कितने पानी में है। क्या आम आदमी पार्टी का वजूद सिर्फ एक बार सरकार बनाने तक है, या आगे भी ये पार्टी देश के स्तर पर अपनी पैठ बना सकती है, इस बात का सबूत आज की रात केजरीवाल के रत जगह में छिपा हुआ है। केजरीवाल आज की रात नहीं सो पाएंगे। आज की रात अखिलेश यादव पर भी भारी है। टीपू, जी हाँ, अखिलेश यादव, जिनका घर का नाम टीपू है, वो सुल्तान दोबारा बनने की ताक में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अंदरूनी जूतम पैजार हुई, उसके बाद टीपू की भी रातों की नींद हराम हो गई। अब नतीजे टीपू को दोबारा सुल्तान बनाते हैं या नहीं, ये नहीं कह सकते, ईवीएम के नतीजे तय करेंगे। लेकिन ये तय है कि आज की रात अखिलेश यादव की पलकों में कटेगी। आज की रात अखिलेश यादव नहीं सो पाएंगे। आज की रात बहुत भयावह है। भयावह इसलिए भी नहीं कि कोई विपत्ति आएगी, भयावह इसलिए भी नहीं कोई जलजला आएगा, भयावह सिर्फ इसलिए कि आज की रात एक नहीं, कम से कम 5 पार्टियों की तकदीर तय करेगी। इस चुनाव के नतीजों को मामूली बिल्कुल मत लीजिए। इस चुनाव के नतीजे तय कर देंगे 2019 में क्या होगा। इस चुनाव के नतीजे ये भी तय करेंगे कि मोदी सरकार जिस प्रबल जनादेश के रथ पर सवार होकर आई थी, उसमें आगे क्या होगा। क्या जनता ने मोदी को अब भी वही मान सम्मान दे रखा है? क्या जनता अब भी बीजेपी में वही आस्था रखती है? आज की रात फैसले की रात है। TDC News की रिपोर्ट।